जय शनि देव। प्रिय भक्तगणों, मैं गुरु रजनीश ऋषि ईस्ट पटेल नगर नई दिल्ली से आज पुनः आप सभी के समक्ष प्रस्तुत हूं आपके बारे में एक रोचक जानकारी लेकर, एक बहुत रोचक उपाय लेकर, जिस उपाय के बारे में जानने के लिए आप सभी प्रतीक्षा करते हैं और मुझसे बारंबार कहते हैं कि गुरुजी हमें कोई ऐसा साधारण और सरल सा उपाय बताएं जिससे कि हम जो धनु लग्न वाले व्यक्ति हैं, जिनकी जन्म कुंडली में हमारी धनु लग्न है, तो ऐसी व्यक्ति ऐसा क्या उपाय करें जिससे कि उनकी कायाकल्प हो जाए, लक्ष्मी जी का वास उनके घर पर सदैव बना रहे। अगर आपने अभी तक मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप इस चैनल को नीचे जो बटन आ रहा है सब्सक्राइब का, उसे दबाकर सब्सक्राइब करें और सब्सक्राइब करने के पश्चात जो बेल का आइकन है उसे क्लिक करके आप हमारे जितने भी नए वीडियो आएंगे उन सब के बारे में सर्वप्रथम सूचना आपको स्वयं अपने आप मिल जाएगी। और अगर आपको मेरा यह वीडियो पसंद आता है तो इस वीडियो को अपने दोस्तों से, अपने रिश्तेदारों से, अपने अड़ोसी और पड़ोसियों से शेयर करना मत भूलिएगा। मेरे प्यारे साथियों, जब हम चर्चा कर रहे हैं धनु लग्न वाले व्यक्तियों के बारे में कि धनु लग्न वाले व्यक्तियों को ऐसा क्या करना चाहिए जिससे लक्ष्मी जी सदैव उनके खजाने में, उनके धन के भंडारों में, उनकी तिजोरियों में वास करें, कुबेर जी महाराज उनके धन के भंडारों को सदैव भरते रहें, ऐसा क्या सरल और आसान उपाय हो सकता है? तो प्रिय भक्तगणों, वैदिक धर्म के अनुसार हमारे धर्म ग्रंथों में जो सबसे आसान जो तरीके हैं वो दो तरीके हैं। पहला तरीका है कि आप मंत्रों के साथ विधिवत पूजा अर्चना कर उस ग्रह को स्वयं प्रसन्न करें। दूसरा तरीका है उस ग्रह से संबंधित मंत्र सिद्ध प्राण प्रतिष्ठित और जागृत किया हुआ रतन की अंगूठी आप धारण करें। अगर आप पूजा करने का रास्ता चुनते हैं तो आप स्वयं पूजा करें। भगवान और आपकी पूजा के बीच में कोई एजेंट पीले कपड़े पहन के हमारे जैसा क्यों क्या करेगा? लक्ष्मी जी आपको चाहिए, देवी लक्ष्मी माता ने या विशेष ग्रह देवता ने जो आपकी कुंडली में वहां बैठे हुए उस स्थान पर, तो आप या तो लक्ष्मी जी की पूजा कर लक्ष्मी जी को प्रसन्न कर ले, बहुत आसान तरीका है। या दूसरा तरीका है उस ग्रह देवता को जो इस जन्म में आपको लक्ष्मी देने के कारक बने हुए, उन ग्रह देवता को प्रसन्न कर ले। और इसके बीच में हमारा क्या काम है? अब लक्ष्मी जी को या ग्रह देवता को प्रसन्न करना है तो उनके लिए आपको मंत्रों से उनकी पूजा करनी पड़ेगी, उनको साधना पड़ेगा। अगर आप उनको साध लेते हैं, पूजा से उनको प्रसन्न कर लेते हैं, तो निश्चित रूप से उस ग्रह देवता को या माता लक्ष्मी को आपके धन के भंडारों में वृद्धि करने के लिए वैकुंठ से आना ही पड़ेगा। यह अटल सत्य है। आज हम चर्चा करने जा रहे हैं धनु लग्न के व्यक्तियों के बारे में। धनु लग्न यानी जिनकी जन्म कुंडली में जन्म की जो लग्न है वह धनु लग्न है, सेजिटेरियन है, उन व्यक्तियों के बारे में चर्चा करने जा रहे हैं। जो ऐसे व्यक्ति क्या करें जिससे मां लक्ष्मी का वास सदैव उनके धन के भंडारों में कुबेर जी महाराज के साथ बना रहे, तो ऐसा क्या उपाय किया जाए? धनु लग्न के यानी सेजिटेरियन लग्न वाले व्यक्ति अगर अपनी जन्म कुंडली के अनुसार, क्योंकि उनकी जन्म कुंडली का जो आमदनी का भाव है उसका मालिक शुक्र है, तो वह शुक्र की अंगूठी अगर अपनी अपने हाथ में धारण करेंगे,
विशेष रंग और वजन से संबंधित डायमंड की अंगूठी को मंत्र सिद्ध प्राण प्रतिष्ठित और जागृत करवाकर धारण करेंगे या उसके उपरतन, क्योंकि हीरा एक बहुत महंगा रतन है, तो उसके उपरतन यानी अमेरिकन डायमंड की अंगूठी को किसी योग्य विद्वान ज्ञानी व्यक्ति से मंत्र सिद्ध प्राण प्रतिष्ठित और जागृत करवाकर धारण करेंगे तो निश्चित रूप से आपके धन धान के भंडारों में वृद्धि होगी। अगर इसके साथ साथ अगर आपकी जन्म कुंडली में और भी आमदनी के कारक ग्रह हैं तो उनसे संबंधित अंगूठियां भी आपको अवश्य पहननी चाहिए, कुंडली के अनुसार पहननी है। देखिए इसके लिए कुंडली देखना अति आवश्यक है। मंत्र सिद्ध प्राण प्रतिष्ठित जागृत कराकर जो कि किसी योग्य विद्वान ज्ञानी पुरुष के द्वारा, जिसे कि इनको जागृत करने का ज्ञान हो, जिन्होंने इन मंत्रों की साधना 5.25 लाख मंत्रों से पूरी कर रखी हो और नित्य कम से कम एक माला इन मंत्रों की, हर नवग्रह देवता के मंत्र की पूरी करते हो, वह व्यक्ति आपकी अंगूठियों को मंत्र सिद्ध प्राण प्रतिष्ठित और जागृत करने में समर्थ होता है। वरना तो ज्यादातर मंदिर में बैठने वाले जो व्यक्ति हैं उनको मंत्रों का ज्ञान नहीं, बहुत कम लोग हैं, आचार्य या शास्त्री लेवल के लोग हैं या कुछ लोग जो अपनी मेहनत के बल पर आगे बढ़ते हैं, धर्म में रुचि होने के कारण आगे बढ़ते हैं, इससे धर्म के क्षेत्र में आगे आके अपना ज्ञान स्वयं अर्जित करके रास्ता बनाते हैं, उनको ज्ञान होता है। क्योंकि सही रूप से मंत्रों का उच्चारण होना चाहिए। अगर हम सही प्रकार से मंत्रों का उच्चारण करके उनकी विधिवत अगर उनको मंत्र और प्राण प्रतिष्ठा करेंगे तो निश्चित रूप से ऐसी हर अंगूठी आपको शुभ फल प्रदान करने वाली होगी। तो मैं चर्चा कर रहा था, अगर आप में से कोई भी व्यक्ति, चाहे वे बच्चों की पढ़ाई के संबंध में परेशान हो, बच्चों के ना पढ़ने से परेशान हो, या बच्चों के अच्छे नंबर नहीं आते इस विषय में परेशान हो, या संतान होने ना होने की वजह से परेशान हो, या पुत्र संतान ना होने से परेशान हो, या कन्या संतान ना होने से परेशान हो, या खुद की पढ़ाई लिखाई से परेशान हो, खुद का कैरियर नहीं बन पा रहा हो पढ़ाई लिखाई में, अच्छा रिजल्ट नहीं आ रहा हो, या फिर उसे अच्छी जॉब नहीं मिल पा रही हो, या फिर उसकी शादी नहीं हो रही हो, शादी में देर हो रही हो, शादी होने से पहले ही टूट जाती हो, या बॉस से परेशान हो, प्रमोशन से परेशान हो, सरकारी नौकरी की इच्छा रखता हो, या उसे धन लाभ नहीं हो रहा है, व्यापार फेल हो रहा है, या शत्रु बहुत है, या बॉस बहुत परेशान करता है, या फिर सास बहू के बीच की अड़चन है, माता पिता के बीच की अड़चन है, भाई बहनों के बीच की अड़चन है, या अपना मकान नहीं है, या अपना व्यापार स्थल नहीं है, किराए दे दे के परेशान हो रहा है, तो ऐसे सभी व्यक्ति जो स्क्रीन पर नंबर आ रहे हैं उन नंबरों पर जाकर हमसे वीडियो कॉल बुक करने के पश्चात व्हाट्सएप वीडियो कॉल बुक करें या वेबसाइट पर जाएं, वेबसाइट पर जाकर वीडियो कॉल बुक करें। हमारे से बात करने के लिए आपको एक छोटी सी फीस पे करनी पड़ती है। उस फीस को पे करने के बाद आप हमसे मोस्ट प्रोबेबली उसी दिन या अगले दिन आपको अपॉइंटमेंट का टाइम मिल जाता है, व्हाट्सएप वीडियो कॉल पर या आमने सामने बैठकर, या खुद चलकर आना चाहें तो उसके लिए भी हमसे टाइम रख के आप आ सकते हैं। तो हम पूरी दुनिया में 133 देशों में हम ये कार्य पिछले काफी लंबे समय से कर रहे हैं। पूरी दुनिया के देशी विदेशी लोग हमारे पास अपनी विभिन्न प्रकार की परेशानियों के लिए, गुरु दीक्षा लेने के लिए हमारे पास निरंतर आते रहते हैं और हमसे, हमारे अनुभव से, वैदिक उपायों के आधार पर लाभ उठाकर अपनी जिंदगी को खुशहाल बनाते रहते हैं। तो अगर आपके आसपास कोई
योग्य विद्वान व्यक्ति नहीं है या आप किसी योग्य विद्वान व्यक्ति को ढूंढ रहे हैं कि जो आपके जीवन में आ रही विभिन्न प्रकार की परेशानियों को कम करके आपके जीवन में शांति, सौभाग्य और समृद्धि के साथ ऐश्वर्य में वृद्धि कर सके, तो अगर आपको ऐसा कोई व्यक्ति ना मिल पा रहा हो तो एक बार आप हमसे भी संपर्क कर सकते हैं और हमारे अनुभवों का लाभ उठा सकते हैं। आप सोच रहे होंगे कि गुरुजी ने तो हमें एक पूजा का रास्ता बता दिया और एक अंगूठी का रास्ता बता दिया, इसमें से कौन सा रास्ता चुने? तो मेरे साथियों, जो आपको आसान लगे वह रास्ता चुन के आप धन के भंडारों को प्राप्त कर सकते हैं। रास्ते दोनों ही आसान है, किसी ग्रह जाप के चक्कर में नहीं फंसना है कि किसी मूर्ख बनाने वाले इंसान के पास चले जाएं, जी आप मेरी जगह ये पूजा कर दो, ऐसा नहीं करना है। और आज आप कह रहे होंगे मैं अंगूठी नहीं पहन सकता, क्यों? मैं तो मुझे तो अजीब सा लगता है। अरे भाई, आज आपको मौका मिल रहा है, पुराने जमाने में तो सिर्फ राजा और महाराजा ही अंगूठियां रत्नों की धारण किया करते थे। आज अत्याधुनिक मशीनों के द्वारा खुदाई करने की वजह से हम जमीन में बहुत गहरे खुदाई कर पाते हैं, जिससे हमें प्रचुर मात्रा में पुखराज, नीलम, पन्ना, रूबी, हीरा इत्यादि की प्राप्ति होने लगी है और वह आपके बजट के अनुसार बाजार में उपलब्ध भी है। अगर हम बात करते हैं, अगर मान लीजिए उदाहरण के तौर पे मैं बात करूं, तो आज पन्ना जो है, एक काम चलाऊ पन्ने की अंगूठी 4-5 हजार रुपए से लेके 20 लाख रुपए तक की आती है। अब आप अपने बजट के हिसाब से खरीद सकते हैं। नीलम की अंगूठी भी 5 हजार रुपए से लेके आपको 20 लाख रुपए तक की मिल जाएगी। पुखराज की अंगूठी भी 5 हजार रुपए से लेके 20 लाख रुपए तक की मिल जाएगी। रूबी की अंगूठी भी 5 हजार रुपए से लेके 20 लाख रुपए तक की आपको मिल जाएगी। अच्छी मोती की अंगूठी 2-2.5 हजार रुपए की बहुत आराम से मिल जाएगी। तो मेरे भाइयों, ये तो आपके बजट में आ जाएगा। और यह अंगूठी भी अगर हम जैसे यहां, हमारे यहां से आप मंगवाते हैं, तो हम आपको यह मंत्र सिद्ध, प्राण प्रतिष्ठा और जागृत करवा कर ही प्रदान करेंगे। लेकिन बस खाली इसमें एक ही अड़चन है कि हमें देखना पड़ेगा कि आपको जन्म कुंडली के अनुसार क्या सूट करता है, कौन सा रतन सूट करता है, कौन से रंग का रतन सूट करता है और उसकी कम से कम क्या कीमत हो सकती है। अगर रतन दी की अंगूठी आपको महंगी लगती हो, नहीं कर पाते हो, तो आप उपरतन को पहन सकते हैं। उपरतन की अंगूठी भी फायदा करेगी। बहुत सारे भाई लोग सोचते हैं, बहुत सारे भक्तगण सोचते हैं, हे गुरुजी हम कैसे पहनेंगे? अरे भाई, अमिताभ बच्चन पहनता है, अभिषेक बच्चन पहनता है, ऐश्वर्या राय पहनती है, रानी मुखर्जी पहनती है, शिल्पा शेट्टी पहनती है, शाहरुख खान पहनता है, सलमान खान पहनता है, हमारे वर्तमान के राष्ट्रपति भी आप देखेंगे उनकी फोटो गूगल पर तलाशेंगे तो वो भी पहनते रहे हैं, पूर्व वाले राष्ट्रपति भी पहनते रहे हैं, हमारे प्रधानमंत्री भी पहनते रहे हैं। आप गूगल में देखेंगे तो बहुत सारे फोटो मिल जाएंगे क्योंकि हाथ में अंगूठियां हैं। हमारे गृह मंत्री भी पहनते रहे हैं, हमारे वित्त मंत्री भी पहनते हैं, हमारी विदेश मंत्री भी पहनती हैं, हमारी कपड़ा मंत्री भी पहनती हैं, और तो और हमारे मशहूर क्रिकेटर नवजोत सिंह सिद्धू भी पहनते हैं, पंजाब के पूर्व मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री और उनकी धर्मपत्नी भी पहनती रही है। तो मेरे भाई, अगर यह सभी व्यक्ति अगर अपने भाग्य को प्रबल करने के लिए, अपनी परेशानियों को दूर करने के लिए अगर एक या अधिक अंगूठियों को धारण करके अपने जीवन को सुखमय बना सकते हैं या जीवन के उच्चतम स्तर को प्राप्त कर सकते हैं, तो आप क्यों नहीं कर सकते?
आप माननीय हमारे जो प्रधानमंत्री हैं नरेंद्र मोदी साहब का पुराना फोटो देखिए, इस फोटो को देखकर क्या आपको लगता है कि यह व्यक्ति किसी दिन भारत का एक महत्वपूर्ण हस्ती बनेगा? नहीं, कोई भी व्यक्ति इस फोटो को देखकर यह नहीं कह सकता, मगर वह तो आज प्रधानमंत्री की पद से भी बहुत ऊपर उठकर उन्होंने कार्य किया है, जहां देश विदेश में विभिन्न राष्ट्राध्यक्षों द्वारा उनको सम्मानित किया गया है मित्र के रूप में, और उनके द्वारा उनकी प्रशंसा हुई है, चाहे वे अमेरिका के राष्ट्रपति ने की हो, फ्रांस के राष्ट्रपति ने की हो, जापान के राष्ट्रपति ने की हो, चाइना के राष्ट्रपति ने की हो, या अन्य किसी राष्ट्रपति ने की हो। क्या इस व्यक्ति ने 30-35 साल पहले का या 25-30 साल पहले का यह फोटो है, तब किसी व्यक्ति ने कल्पना की थी कि यह व्यक्ति हमारे देश के माननीय प्रधानमंत्री होंगे? अचानक से एक दिन ऐसा नहीं हो गया, इन्होंने कुछ ना कुछ तो उपाय किए होंगे, अपने भाग्य को उठाने के लिए कर्म के साथ साथ, क्योंकि कर्म तो प्रधान है लेकिन कर्म के साथ भाग्य का अति महत्व है, भाग्य के साथ आमदनी भी जुड़ी हुई है, और इन सबसे पहले महत्व है हमारे लगन का। अगर हमारी लगन उत्तम है, अगर हमारी लगन मजबूत है, तो हम छोटे छोटे उपाय करके हम बहुत अधिक प्राप्त कर सकते हैं। तो जब एक आम व्यक्ति इस गरिमामयी पोस्ट को प्राप्त कर सकता है, हमारे देश का प्रधानमंत्री बन सकता है, राष्ट्रपति बन सकता है, तो मेरे प्यारे हिंदू धर्म में विश्वास रखने वाले भक्तगण, आप भी तो प्रयास कर सकते हैं अपनी धन की कमी को दूर करने के लिए, अपने भाग्य को प्रबल बनाने के लिए, अपनी बीमारियों को दूर करने के लिए। समस्या यहां नहीं है, आप करते हैं। आप में से बहुत सारे लोग कहते हैं, गुरुजी हम यहां गए थे, वहां गए थे, वहां गए थे, वहां तो इतनी लंबी लंबी लाइन लगी हुई थी गुरुजी, बीएमडब्ल्यू वाले लाइन में खड़े हुए थे। ये अभी एक सज्जन ने अभी उसे 10 दिन पहले चर्चा करिए, गुरुजी कम से कम 200-150 लोग उस लाइन में खड़े होते हैं, उस व्यक्ति के पास वहां खाली 101 रुपये फीस लगती है। मैं पिछले 3 साल से गुरुजी जा रहा हूं, बहुत दूर दूर से बहुत बड़े बड़े लोग आते हैं। मैंने उस व्यक्ति से पूछा, अरे भाई तू एक बात बता दे मुझे, वहां लाइन लगती है, लाइन किस लिए लगती है, तू कितनी बार गया है? तो कहता, गुरुजी हफ्ते में एक बार जाता हूं, हर बार 100 रुपये 101 रुपये का खर्चा आता है बस, और 3 साल से जाओ। मैंने कहा, बड़ी कमाल की बात है, तू 3 साल में आज तक ठीक ही नहीं हो पाया, 3 साल से उसकी लाइन में खड़ा हुआ है, तुझसे मूर्ख और कौन हो सकता है, मेरे पास दोबारा भी मत आइयो, मैं तो एक ही बार उपाय करूंगा, अगर दोबारा 2-3 साल बाद कोई परेशानी हो या कोई नई परेशानी सामने आती है या घर में और किसी को परेशानी होती है, तो आ मेरे पास, मेरा टाइम क्यों घुटा करेगा तू दोबारा आके, तू वहां 3 साल में 3 साल से चक्कर लगा रहा, तुझे समझ में नहीं आ रहा कि वहां क्या ठगाई हो रही है, क्या बेवकूफ बनाया जा रहा है, कितना मूर्ख बन रहा है तू, और तू तारीफ किया जा रहा है, यहां बीएमडब्ल्यू वाले आते हैं, अरे मेरे पास तो गृह राज्य मंत्री भी आ चुके हैं, मेरे पास तो कमिश्नर भी आ चुके हैं, मेरे पास तो ब्रिगेडियर भी आए हैं, मेरे पास तो मेजर और कर्नल भी आते हैं, मेरे पास तो एमएलए और एमपी भी आए हैं, मगर मेरे यहां तो कोई लाइन नहीं लगती, हर मुश्किल से एक जना कोई बैठा होगा तो बैठा होगा, वरना तो शायद मैं वो भी मौका नहीं लेता, बहुत लिमिटेड लोगों के साथ मेरी मीटिंग्स होती है, मैं क्यों लाइन लगवाऊंगा, किस व्यक्ति के पास आज इतना टाइम है कि घंटों लाइन में खड़ा होकर अपने नंबर के लिए आया और बेवकूफ बन के फिर अगले हफ्ते आ जाए वहां पर खड़ा हो जाए। मैंने कहा, अपनी अकल पर जो पर्दा पड़ा हुआ है महाराज, उसे दूर करो, वो तुमको सिर्फ बेवकूफ बना रहा है। अभी
ऐसा ही एक और नया केस मेरे सामने आया। एक युवा लड़की मेरे पास आई, कुछ प्रेम प्रसंग का चक्कर है। उसने आके बताया कि उसने राजस्थान के एक बाबा को कहीं उसकी YouTube पे कोई वीडियो देखा होगा या वेबसाइट देखी होगी। उस अकेले बाबा को, जिसका नाम बाद में हमने जब खोज करी तो कोई मुसलमान तांत्रिक व्यक्ति है, वो मुस्लिम तांत्रिक व्यक्ति अपने आप को सिद्ध करता है। उस व्यक्ति को 8-9 महीनों में किस्तों में 80-90 हजार रुपए दक्षिणा के रूप में केवल फोन पर हुई बातचीत के आधार पर दे दिए गए। आज 10 हजार दे दो, आज 5 हजार दे दो, आज 8 हजार दो, अब हो जाएगा तुम्हारा काम, अब तो पक्का हो जाएगा, इस बार तो मैं बलि दे ही दूंगा, इस बार तो मैं उल्लू की आंखें ही चढ़ा दूंगा, देखता हूं कैसे काम नहीं होगा, अब तो मैं मुर्गे की बलि दे के आया हूं, आज तो मैंने जिन लगा दिए हैं उसके पीछे, तुम्हारा काम अब तो पक्का हो। ऐसे कर करके उसने उस बिचारी लड़की से, सीधी साधी लड़की से 80-90 हजार रुपए ठग लिए। ऐसे ही एक और व्यक्ति ने उसी लड़की से उसके बाद 70-80 हजार रुपए राजस्थान से ठग लिए। उसका भी पता किया, वह भी कोई तांत्रिक का ढोंग करने वाला कोई मुस्लिम व्यक्ति है, उसने भी इसी प्रकार से लूट लिया। तीसरी घटना उसके साथ अभी 15 दिन पहले हुई कि वह गाजियाबाद में एक बहुत सुप्रसिद्ध चेहरा है, मैंने नाम नहीं लेना चाहता क्योंकि एक छोटी सी गलती उन्होंने की है और मैं नहीं चाहता कि मैं किसी की दुर्गति का कारण बनूं, तो इसलिए उनका नाम नहीं बता रहा हूं मैं आपको। उन्होंने भी उससे 8,100 रुपए ले लिए और जो बातें की हैं इन दोनों, विशेष रूप से उस बलि देने में बार बार बलि की बात करने वाली व्यक्ति इन्होंने और ये गाजियाबाद वाली व्यक्ति इन्होंने, तो आप कानों में उंगली रख लेंगे जिस प्रकार की उस युवती के साथ इन लोगों ने बातें की हैं। खैर, यह युवती मेरे पास आती है, उसकी परेशानी को उसकी जन्म कुंडली के माध्यम से समझा, छोटी सी प्रॉब्लम है, उसकी लगन कमजोर पड़ी हुई है, इस वजह से उसका प्रेमी उसे धोखा देने का प्रयास कर रहा है और थोड़ा सा प्रेमी को भी उसके अड़चन है, थोड़ा सा उनके ग्रह को मजबूत करके और उसके भाग्य को मजबूत करके उनको छोड़ दिया रत्नों की अंगूठी पहना के, देखते हैं क्या होता है। गारंटी दी है हमने कि चिंता मत कर, अगर वो छूट के चला जाए तो अपने पैसे वापस ले जाना जितने भी तुमने अंगूठी में मेरे साथ खर्च किए। हालांकि अगर आपने पुखराज की अंगूठी पहने है, उस युवती को मैंने पुखराज की अंगूठी दी है, तो पुखराज की अंगूठी तो उसकी लगन को मजबूत करने के लिए दी है, या रूबी की अंगूठी दी है तो किसी उसके भाग्य को मजबूत करने के लिए दी है, और वो असली अंगूठियां हैं, सर्टिफिकेट के साथ दिए लेबोरेटरी से टेस्ट करा के, जो निसंदेह से फायदा कर रही है। हमारे देश में धर्म के नाम पर जो लुटेरे हैं उनकी संख्या इतनी बढ़ गई है कि आम व्यक्ति सिर्फ परेशान होने के सिवा कुछ नहीं करता, और ये लुटेरे हर भेष में, हर धर्म के अंदर, लगभग हर मंदिर में, हमारे जैसे कपड़े पहनकर या अपने अपने धर्म के कपड़े पहनकर मौजूद है। सिर्फ उनका काम है लोगों को ठगना और धर्म के नाम पर झूठ बोल के धोखा देकर उनको लूटना। अगर ये व्यक्ति जरा भी ज्ञानी होते तो उसकी मदद करने में क्या दिक्कत थी, क्या दिक्कत है? उसकी जन्म कुंडली उसके पास है, उसकी प्रेमी से संबंधित ग्रह को मजबूत करने में,
जो उसकी कुंडली में वक्री बैठा हुआ है, आप समझ सकते हैं जो लोग जानकार हैं कि अगर प्रेमी वाला ग्रह उसकी जन्म कुंडली में वक्री होगा तो परेशान करेगा, तो उस ग्रह को दुरुस्त कर दिया, इस लड़की की लगन को दुरुस्त कर दिया, भाग्य को दुरुस्त कर दिया, तो क्या अड़चन आएगी? हालात सुधर जाएंगे धीरे धीरे, उसके जीवन में सुख और शांति आएगी और वह आगे किसी ढोंगी पाखंडी और लुटेरों से, लुटने से बच जाएगी। वरना उन लोगों ने तो, जिन तीनों व्यक्तियों की बात कर रहा हूं, उन्होंने उसे लूटने में कोई कसर नहीं छोड़ी। मैंने उसे सजेशन दिया, क्राइम ब्रांच चले जाओ, दिल्ली क्राइम ब्रांच, या फोन पर क्राइम ब्रांच को आप बताओ कि इसने, इस व्यक्ति ने इतने रुपए आपसे लूट लिए हैं, तो निसंदेह, क्योंकि आपने पेटीएम के थ्रू पैसे दिए हैं और अकाउंट में जमा कराए हैं, तो आपको पैसे वापस मिल जाएंगे। पुलिस भी हमारी मदद करती है अगर हम सच्चे होते हैं, तो आप मदद ले सकते हैं और मदद लेके अपने जीवन को लाभमयी बना सकते हैं। हमें बहुत अफसोस है कि ज्ञान के नाम पर लोग लूट रहे हैं, इतना बुरी तरीके से लूट रहे हैं, और लोग अच्छा उन्हीं को मानते हैं। तारीफ की बात है कि लूटने के बाद भी कह रहे हैं 3 साल से लूट रहे हैं, 100 रुपए हर हफ्ते देते हैं, जाके 101 रुपए चढ़ाते हैं, 3 घंटे समय खोटा करके जाते हैं, और कहते हैं उसके यहां इतनी लंबी लंबी लाइन लगती है, BMW और ऑडी कार वाले उसके यहां लाइन में खड़े होते हैं। जी बहुत, क्या ज्ञानी पुरुष, धन्य हो ऐसा ज्ञान जो सिर्फ भोली भाली जनता को लूटने में लगा और ठगने में लगा हुआ है। अरे तुम्हारे यहां भीड़ क्यों लगेगी, मुझे एक बात का जवाब दे दो, अगर तुम ज्ञानी हो तो तुम्हारे यहां भीड़ क्यों लगेगी? तुम 2 मिनट में उसकी परेशानी के लिए उसका उपाय बता दोगे, वो करेगा करेगा, नहीं करेगा अपने घर जाएगा, खत्म हो गई बात, वो दोबारा क्यों आएगा? और उपाय कर लेगा तो ठीक हो जाएगा। हाँ दोबारा कभी परेशानी होगी तो आएगा, तो भीड़ क्यों लगेगी कि उसके यहां भीड़ लगती है, 500 लोग बैठे होते हैं, क्या करते हैं वो 50 लोग वहां बैठकर? क्यों आज तुम रोज चक्कर लगवाते हो कि आज 2 अगरबत्ती ले आना, कल 1 केला ले आना, 2 दिन बाद 1 सेब ले आना, 2 धूपबत्ती ले आना, 1 पीला फूल ले आना, ऐसे करके आप चक्कर लगवाते हो, बेवकूफ बनाते हो। जब भी आएगा आपके दरवाजे पे मत्था टेकेगा, आपकी देरी पे 10 रुपए 20 रुपए 50 रुपए 100 रुपए 500 रुपए 1000 रुपए से आपको दक्षिणा देगा, इसलिए आप भीड़ लगवाते हो। इसलिए लगती है ये भीड़ ज्ञानी व्यक्तियों को, जिसके पास एस्ट्रोलॉजी का ज्ञान है उसे किस लिए भीड़ लगानी है? उसके पास भीड़ लगेगी, वो कारण क्या है जो भीड़ लगे? भीड़ इसीलिए लगती है कि आप बार बार उसे, उससे पैसे लेने के लिए, उसे दक्षिणा वसूलने के लिए, बार बार उसे अपने यहां मत्था टिकवाने के लिए उसे आप बुलाते हो कि तू 1 हफ्ते बाद आ जा, तू 2 दिन बाद आ जा, आपके फूल लेके आ जा, आपके केला लेके आ जा, आपके सेब लेके आ जा, आपको अगरबत्ती लेके आ जा, आपके कुछ नहीं है तो अपने घर में झाड़ू लगा के मट्टी लेके आ जा, मैं देख के बताऊंगा क्या परेशानी क्यों नहीं दूर हो रही। मेरे भाइयों, मुझे नहीं लगता कि हमारे धर्म में, हमारे शास्त्रों में, हमारे ग्रंथों में ऐसा कोई तरीका है, है तो आप खुद खंगाल लो धर्म ग्रंथों में से, और googlebaba.com तो आजकल बहुत फेमस है, आपको सब पता चल जाएगा कि कौन सा तरीका सही है और कौन सा तरीका गलत है। आज की चर्चा को यहीं विराम देते हैं। जय शनिदेव।